92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहां था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहां आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटी सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में शुरू हो चुका है हमारा इलेक्शन स्पेशल। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में बिग एफएम पहुंचेगा आपके घर, आपके इलाके तक। हम जानेंगे आपके इलाके की समस्याएं और उन्हें पहुंचाएंगे आपके विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों तक और उनसे लेंगे जवाब उन समस्याओं के। आज यह बात हो रही है चांदनी चौक की, जिसे मुगलों की दिल्ली कहें या फिर असली दिल्ली कहें, या यूं कहें कि ये दिल्ली 6 है, पुरानी दिल्ली भी कह सकते हैं हम इसे। यहाँ हर जाति, हर धर्म और संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे। चांदनी चौक में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं सैलानी और व्यापारी। व्यापारी आते हैं यहाँ के बाजारों से शॉपिंग करने और सैलानी आते हैं यहाँ के पराठे, यहाँ की चाट का लुत्फ उठाने। लेकिन यही एक वजह है कि चांदनी चौक में सकरी गलियां हैं और उतनी ही भीड़ भी। ऋचा, पता भी नहीं चलता कि फुटपाथ कहाँ खत्म हो जाता है, रोड कहाँ शुरू हो जाती है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं या समस्याएं कितनी हैं यहाँ की। चलिए, आज जब बात हो रही है चांदनी चौक की तो थोड़ा सा उसकी विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 2008 में डिलिमिटेशन के बाद चांदनी चौक संसदीय सीट में 10 विधानसभा सीटें शामिल कर दी गई थी। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में 14 लाख के आसपास वोटर हैं और ये संसदीय सीट दिल्ली की सातों लोकसभा सीट्स में क्षेत्रफल और वोटर दोनों के लिहाज से सबसे छोटी है। ऋचा, क्षेत्रफल के हिसाब से तो पूरे देश में ये सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से एक है चांदनी चौक विधानसभा सीट, जिस पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है। लेकिन दीपक, 2014 आम चुनाव में चांदनी चौक की जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली थी। और अहम बात यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के आशुतोष को मिले थे, कपिल सिब्बल से भी ज्यादा। और अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1993 से लेकर अब तक 5 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें पहली बार यहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद के 4 चुनावों में कांग्रेस के प्रहलाद सिंह जीतते चले आ रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रहलाद सिंह का मुकाबला है आम आदमी पार्टी की अलका लांबा से। और आज हमारी दिल्ली हमारा फैसला में हम इन दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि चांदनी चौक की समस्याओं को लेकर इनके पास क्या समाधान है अगर जनता इन्हें जिताती है। तो अगर आप भी रहते हैं चांदनी चौक इलाके में और कुछ समस्याएं हैं उस इलाके की जो हमसे शेयर करना चाहते हैं आप, तो हमें कॉल लगाएं प्लीज। 3992797 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। यहां चल रहा है हमारा इलेक्शन स्पेशल। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। जमाना क्या कहेगा, यही सोचकर अक्सर हम चुप्पी साधे रखते हैं, अपनी समस्याओं को किसी को बताते नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि चुप्पी तोड़ी जाए और चुन लिया जाए अपने मनपसंद की सरकार को, अपने मनपसंद के उम्मीदवार को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम आदाब। दीपक बात कर रहा हूं, आप सुन रहे दिल्ली के नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान में इलेक्शन स्पेशल। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। तो बिग एफएम आज पहुंचा है चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, ना तो बिजनेस का, ना किसी और चीज का, छोटी छोटी गलियां हैं तो उससे आने जाने वाले इनको भी प्रॉब्लम होती है। मेरा नाम बब्बन है जी। सारी समस्याएं हैं जी, महंगाई ज्यादा है, सड़क टूटी टाटी पड़ी है, सब कुछ है, हाल है देखो। सारी दिक्कत है, फायदा क्या है यहाँ पर? कंजेस्टेड बहुत है, एक तो रिक्शा वगैरह वाले बहुत तंग करते हैं, ट्रैफिक में आना जाना दुश्वार होता है, कोई इमरजेंसी होती है निकलना मुश्किल होता है। पहली है गंदगी, दूसरी है ट्रैफिक, तीसरी है इंक्रोचमेंट। मेन 3 समस्याएं हैं, इनका कोई सॉल्यूशन कोई पार्टी अभी तक करती नहीं है। पानी की पाइपलाइनें टूटी हुई है, तारे टूटी हुई है, काम पूरा तरीके से होता नहीं है यहाँ पर। तो ये हैं चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं। अब समस्याएं हैं तो समाधान भी होना चाहिए, सवाल है तो जवाब भी मिलने चाहिए।
मैं प्रहलाद सिंह चांदनी चौक से कांग्रेस का उम्मीदवार दिल्ली मेरी जान में हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा रिचा और दीपक जी के साथ। मैं अलका लांबा चांदनी चौक विधानसभा से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार दिल्ली मेरी जान में हमारी दिल्ली हमारा फैसला में दूंगी आपके सारे सवालों के जवाब रिचा और दीपक के साथ। तो अगर आप भी रहते हैं चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में और चाहते हैं कि ये नेता दें आपके सवालों के जवाब तो जल्दी से हमें कॉल लगाएं 3992927927 है हमारा नंबर। सुबह 9 से लेकर 10 बजे के बीच में मैं और ऋचा अनिरुद्ध आपके सवाल पहुंचाएंगे इन नेताओं तक और मांगेंगे उनसे जवाब। फिलहाल आप कहीं जाए नहीं, रहे मेरे यानी दीपक के साथ सुबह के 10 बजे तक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना था, सुना है हमने आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करें, दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं और दिल्ली मेरी जान में ये है हमारा इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। कुछ देर पहले आपने हमारी दिल्ली हमारा फैसला में सुना चांदनी चौक के लोगों को उनकी समस्याएं बताते हुए। अब उन समस्याओं का कोई समाधान तो होगा ना, या ये समस्याएं हैं ही क्यों? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के प्रहलाद सिंह जी से, जो पिछली 4 बार से चांदनी चौक में विधायक रहे हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो ये बताइए चांदनी चौक में इतनी गंदगी क्यों है? सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 110 करोड़ रुपया सिर्फ इस बात के लिए दिया था कि दरीबा से लेके और जामा मस्जिद तक जितने रोड हैं वो यहाँ बैठकर जामा मस्जिद वाला लाल किला देख सकता है और लाल किला जामा मस्जिद का देख सकता है। प्रहलाद सिंह जी, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ये भी एक शिकायत है कि यहाँ पर हाई टेंशन वायर्स बहुत ज्यादा है, तारें खुली रहती है, इसकी वजह से आए दिन आग लगती रहती है। शीला जी ने एक शाहजहाना बाग बोर्ड बनाया था जिसकी मदद से हम लोगों ने इनको 110 करोड़ जामा मस्जिद और दरीबे की साइड के लिए दिया था, 56 करोड़ रुपए हमने चांदनी चौक रोड्स के लिए दिया था, जो चांदनी चौक के अंदर खास करके जो मोटी मोटी तारे हैं सिर के साथ गलियों के अंदर लटक दी हुई, उसके भी लिए पैसा दिया दिल्ली सरकार ने, वो पैसा अभी तक काम चालू हो गया। पहले तो हाई कोर्ट ने रोक दिया था, हाई कोर्ट के रोकने के बाद हम लोगों ने उसको 3 दफा चालू किया तो और तीनों दफा कॉरपोरेशन ने उसके अंदर काम नहीं किया ताकि काम रुके रहे, कि ये काम पीडब्ल्यूडी को दे दिया जाए और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और जो चांदनी चौक के अंदर काम शुरू हो गए हैं। प्रहलाद जी, आप लगातार 1000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं लेकिन ये पैसा कहाँ गया मुझे नहीं लगता कोई भी जानता है। अब चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की अलका लांबा आपके खिलाफ खड़ी है, बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता, आपको डर नहीं लग रहा? जनाब मेरी बात सुनो, हमारे सामने हमने चुनाव लड़ना है, हमारे सामने मोदी लड़े तभी हमें कोई दिक्कत है, केजरीवाल लड़े तभी हमें कोई दिक्कत है। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कोई बड़े से बड़ा लीडर भी वहाँ लगे जो हमने काम किए विकास के नाम से हम लोग जीतेंगे। प्रहलाद जी, अब ये फैसला तो चांदनी चौक की जनता करेगी, हम नहीं कर सकते कि आपने काम किए हैं या नहीं किए हैं और आप जीतेंगे या नहीं। बहरहाल आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा चांदनी चौक के लिए क्या योजनाएं रखती हैं ये हम उनसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपको कहीं जाना नहीं है, रहना है दिल्ली मेरी जान के इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। और अगर आप रहते हैं चांदनी चौक इलाके में, कोई सवाल करना चाहते हैं तो कॉल लगाएं 3992927927 है हमारा नंबर। गुड मॉर्निंग। शंकर जयकिशन साहब की कॉम्पोजिशन, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, गुमनाम फिल्म का था ये गाना, सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करें, दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ आप हैं दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज हम बात कर रहे हैं चांदनी चौक की। सबसे पहले हमने आपको सुनवाई बातें चांदनी चौक के लोगों की, क्या क्या वहाँ समस्याएं हैं। उसके बाद हमने बात की वहाँ के सिटिंग एमएलए प्रहलाद सिंह से, जो लगातार 4 बार से चांदनी चौक के विधायक रह चुके हैं। इस बार उनकी टक्कर है आम आदमी पार्टी की अलका लांबा और बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता जी से। आम आदमी पार्टी की अलका लांबा अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलका जी, हम ये जानना चाहते हैं, प्रहलाद जी 1000 करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं जो ब्यूटिफिकेशन के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए उन्होंने चांदनी चौक में दिए, ये पैसा गया कहाँ, दिखता तो नहीं इसका असर कोई? सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़े, सब इन भ्रष्ट, मैं कहूंगी राजनेताओं, नगर निगम पार्षद, विधायक, सांसदों की बिल्कुल जेब में गया और इस बार विकल्प है उनके पास, इसलिए इनको जवाब देंगे लोग। अलका जी, आप खुद एक महिला नेता हैं तो अगर आप यहाँ पर चुनी जाती हैं इस बार इलेक्शन में, तो इस इलाके में महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या करना चाहती हैं?
हमारी प्राथमिकताओं में यही काम है। उसके लिए दोनों जरूरी है कि व्यापारी और महिला वर्ग और आम नागरिक सुरक्षित रहे। उसके लिए हम हर सड़क को रोशन करने की बात है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा के अपराधी अपराध करके बच निकलते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जो तुरंत हो सकता है कि हर गली हर सड़क को शाम होते ही रात होते ही रोशन किया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगे जाए ताकि टोटल 24 घंटे जो है एक नजर इन अपराधियों पर रखकर हम अपराध पे लगाम लगा सके। चलिए अलका जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अगर चांदनी चौक के लोग आपको जिताते हैं तो आप अपने इन सारे प्लान्स को अपने इन वादों को याद रखें, कहीं इन्हें भूल मत जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू रिचा, थैंक यू दीपक, गुड बाय, जय हिंद। ओहो, मुझे बड़ी पेट्रियोटिक फीलिंग आती है रिचा जब भी कोई मुझे जय हिंद कहता है। देखो मैं खड़ा ही हो गया हूँ सीट से। बट एनीवेज, आप बैठे हैं या खड़े हैं, प्लीज कॉल लगाएं 3992797 पर। अगर चांदनी चौक इलाके में रहते हैं, वहां की कोई समस्या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। रहिए दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में दीपक और रिचा अनिरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। सागर फिल्म का ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग सुनाया मैंने आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग प्राजी, की हाल चाल है? दीपक बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं, दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और आज अपने इलेक्शन स्पेशल में हमने बात की चांदनी चौक की, हमने वहाँ की समस्याओं का जिक्र किया और साथ ही जाना वहाँ के सिटिंग एमएलए प्रहलाद सिंह क्या कहते हैं उन समस्याओं के बारे में। हमने बात की आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट अलका लांबा से और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट सुमन कुमार गुप्ता जी। आपके हिसाब से चांदनी चौक में क्या क्या समस्याएं हैं सबसे बड़ी? चांदनी चौक में बिजली पानी सीवर की समस्या है, भयंकर बिजली के तार सारी जगह जगह पर, सीवर का पानी का गंदगी जो है फैली हुई है, हैवी ट्रैफिक कंजेशन जितनी भी है यहाँ बनी हुई है जी। एक बात बताइए सुमन जी, दिल्ली की बहुत सारी समस्याओं की जब हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली जो एमसीडी बीजेपी के अंडर में है तो काम क्यों नहीं हुए? एक्चुअल में क्या है, जो बिजली पानी सीवर जो है ये एमसीडी के अंतर्गत नहीं है, पर एमसीडी भी जो, क्योंकि मैं एमसीडी से पार्षद ही रहा हूँ और एमसीडी में क्या है, हमारे ऊपर दिल्ली सरकार काम करवाती है, दिल्ली सरकार फंड देती है, दिल्ली सरकार के अधिकारी जितने होते हैं वो दिल्ली सरकार के होते हैं। चलिए सुमन जी, मैं आपसे पूछती हूँ, पहले 100 दिन अगर आप जीत जाते हैं आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले ट्रैफिक का, और सबसे पहले जो हमारे मजनू का टीला एरिया है, प्रदर्शनी कॉलोनी है, ये जो जितने भी कटरे हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनको गुमराह किया हुआ है, हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि जहाँ पर जो रहता है उसको वही रहने दिया जाएगा, मालिकाना हक दिलाया जाएगा। मजनू के टीले पर एक हाई टेंशन पावर जो है वायर जा रही है, उससे लोगों की जान में खतरा बना रहता है। हमने तुरंत ये काम किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए, उसको हटाने का प्रयास किया और वो काम हमारा तुरंत तैयार हो जाएगा। यहाँ की एक एक समस्या जो सीवर बिजली पानी की है उसको दूर कराएंगे, और ये काम हमने पहले भी किया और आगे भी करके दिखाएंगे। सुमन जी, दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा अनिरुद्ध हम लोग सुबह ये शो करते हैं, हाँ जी, आपके पीछे पड़े रहेंगे कि आपने काम किया या नहीं किया? बिल्कुल पीछे पड़े रहे, और हमें इसमें बुराई नहीं लगेगी, अच्छाई लगेगी। अगर हमें कोई नेगेटिव आके शिकायत करता है तो हमें उसमें अच्छाई नजर आती है कि हमें लोग जगा रहे हैं, हमें काम हमसे करवा रहे हैं। बिल्कुल सुमन जी, हम आपको यूं ही जगाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, जनता तक आपके जवाब पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और वैसे ऋचा, जब भी कोई नेता इस तरह के वादे करता है कुछ कुछ होता है। कोई बात नहीं दीपक, दिल्ली मेरी जान में इस बार हम इन सारे वादों का हिसाब रखेंगे। हम आपको बता दें कि कल हम जाएंगे दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके, जानेंगे वहाँ की समस्याएं और बात करेंगे वहाँ के उम्मीदवारों से। फिलहाल दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में इतना ही। कल होती है आपसे मुलाकात। अनु कपूर जी आ रहे हैं आपको सुहाने सफर में लेके जाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।